केहू सोहिनी के गीत गाए में लागल बा, तो केहू रोपनी के गीत गाए में लागल बा। रउआ लोगिन तनी नीमन चीज देखे के आदत डाली, हौ भयंकर भयंकर गीत देखे के आदत छोड़ दी, नहीं नीमन, ऊपर अलग से बात हुई। ये हैं इंडिया के नंबर वन पत्रकार रविश कुमार, इनका तो कोई पहचान का मोहताज नहीं है। ये भोजपुरी गाने को सुनने और देखने वालों को इनडायरेक्टली बोले हैं कि आप ऐसे गाने नहीं सुनिए, ये सब बेकार है, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, और पूरा भोजपुरी समाज के ऊपर बात किए हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज रियल हम आपको बताते हैं क्या है बात। कुछ ऐसा है कि ये रविश कुमार भोजपुरी में एक चैनल बनाया और यहाँ पर बताएंगे कि भोजपुरी भाषा में ही सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। भोजपुरी के विकास के लिए ही एक तरह से एक चैनल बना है, जो कि चैनल हम आपको अभी हम दिखाते हैं। यूट्यूब पे सर्च पर हम सर्च कर लेते हैं बिहान ऑफिशियल चैनल, जो कि है रविश कुमार का चैनल ये। यहाँ पर सर्च करने के बाद आ जाता है, ये रहा इनका वीडियो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिहान भोजपुरी चैनल, और यहाँ पर साफ देख सकते हो कि बिहान रविश कुमार ऑफिशियल भोजपुरी चैनल लिखा हुआ है, और 121,000 सब्सक्राइबर भी हो गया, और देख सकते हो 5,70,000 व्यूज भी आ गया 7 दिन में इस पे। और यहाँ पर अबाउट सेक्शन में हम आपको बताते हैं अबाउट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं। मगर भोजपुरी गानों की अश्लीलता के वजह से भोजपुरी समाज की हर कामयाबी फीकी रह जाती है। यहाँ पर अबाउट सेक्शन में हम आपको ले जाकर दिखाते हैं और पूरा अच्छा से आपको बताएंगे। तो अगर आप भी नहीं देखे हैं ना तो जाके देखिए। देखिए यहाँ पर पूरा अबाउट सेक्शन में भोजपुरी सॉन्ग को ज़्यादा ट्रोल किया गया है और बोला गया कि यही सॉन्ग भोजपुरी सॉन्ग के ही कारण भोजपुरी हमेशा पीछा रहता है। अगर आप भी चैनल देखना चाहते हैं तो बिहान रविश कुमार ऑफिशियल सर्च कीजिए और देखिए। वैसे तो आप देख चुके होंगे, 5,05,000 व्यूज आ गया है, तो देख ही होंगे। बाकी अभी तक तो भोजपुरी के कोई भी स्टार इस पे एक्शन नहीं लिए हैं। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट में बताइए, क्या रविश कुमार सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं आप कमेंट बताइए, क्या भोजपुरी सॉन्ग के कारण भोजपुरी का नाम नहीं बढ़ रहा है बताइए जरूर।